ट्स एप दिस इज़ अन शेख आई एम एन आई एस ऑफिसर ऑफ टू थाउजेंड सिक्सटीन बैच एंड टूडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन स्टडीज वीपरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन सो फर्स्ट ऑफ आल लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेग फोकस्ड जैसा कि uh, हम सब जानते हैं कि सिविल सर्विसज की जो एग्जामिनेशन होती है इन एग्जामिनेशंस का जो कुछ भी सिलेबस होता है वो सिलेबस किसी ओशन की तरह होता है और काफ़ी मुश्किलें आती है ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर, करते वक्त क्योंकि हमारे पास जो टाइम अवेलेबल होता है वो टाइम बहुत कम होता है सो so, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करने के जब हम प्रयास करते हैं तब काफ़ी दिक्कतें आ सकती है फ्रस्ट्रेशन आ सकता है सो so, फ्रस्ट्रेशन uh, आ सकता है टेंशन आ सकता है स्ट्रेस आ सकता है तो ऐसे वक्त फोकस्ड uh, रहना बहुत ज़रूरी है और जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि uh, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क पेशेंस कॉन्फिडेंस ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है उसी के साथ साथ फ़ोकस्ड uh, रहना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे पढ़ाई करते हैं सो फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ आप कह रहे हैं कि भाई मैं दिन में बारह घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ और बारह घंटे से बारह घंटे में से आप सिर्फ पाँच घंटे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं और बचे हुआ जो टाइम है वो आपका फोकस नहीं है तो वो जो पढ़ाई होती है वो ज़्यादा एफ़िशेंट नहीं रह सकती है सो so, इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए हमें फ़ोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है सो so, अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम फोकस्ड कैसे रह सकते हैं उसके पहले कुछ चीज़ें और जैसे प्रिपरेशन के वक्त जब मैं प्रिपेयर करता था खुद तो मेरी फैमिली की काफ़ी प्रॉब्लम्स हु, 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 हुआ करती थी तो वो फ़ैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दिमाग में वही चलता रहता था कि यार इनके झगड़े क्यों रहे ये सारी दिक्कतें क्यों आ रही है और आ, इतना सब कुछ आ, इतना सब कुछ हो रहा था तो दिमाग में बैकग्राउंड में सारी चीज़ें चलती रहती थी तो काफ़ी दिक्कतें पढ़ाई करते वक्त आती थी अप्स एंड डाउन्स होते थे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आता था और हमेशा ये लगता था कि यार क्या मैं ये कर पाऊंगा बुरे बुरे ख्याल आते थे दिमाग में सो so, इन सारी चीज़ों से मैंने रास्ता निकाला और जो कुछ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे फोकस रहा जाए ये सारा मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ट है मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ सो फर्स्ट ये है कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस रहने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है सो so, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं अगर आपको पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं तो आपकी काफ़ी आसानी हो जाती है आपका फोकस रहने में क्योंकि फोकस के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है और मोटिवेशन के लिए कोई मोटिव ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड ये है कि टारगेट सेटिंग एक टाइम टेबल बनाइए कि आज एक दिन है आज मुझे इतना सिलेबस सिलेबस का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है और बार बार अपने ब्रेन को बार बार वो पढ़िए और अपने ब्रेन को ऐसा इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे एक दिन में इतने टॉपिक्स आज कवर करने हैं तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है तो एक टारगेट होना चाहिए आपके दिन का तीसरा जो है वो है पीस ऑफ माइंड ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पीस ऑफ माइंड और डिटर्मिनेशन से ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड uh, होती है आपके सक्सेस की और uh, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी दिमाग के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि आम... क्या ये मेरा हो पाएगा क्या मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा बहुत बार ऐसा होता है कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है आपके दोस्तों के साथ झगड़ा हो जाता है तो उस वक्त फिर दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि यार मैंने इससे ये कहना चाहिए था मैंने उसको वो कहना चाहिए था अगली बार मिलने दे फिर मैं उसको ये बताऊँगा और इन्हीं बातों में एक घंटा गुजर जाता है और एक घंटा होने के बाद पता चलता है कि अरे मैंने पेज नंबर ट्वेंटी से स्टार्ट किया था और एक घंटे के बाद भी मैं ट्वेंटी पर ही हूँ सो ये चीज़ें आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है सो इन चीज़ों इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है आप आपका जो फोकस है वो सारा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर लाइए ये काफ़ी मुश्किल होता है फैमिली प्रेशर्स को अवॉइड करना फ्रेंड्स के प्रेशर्स को अवॉइड करना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रेशर्स को अवॉइड करना लेकिन आ, ये अवॉइड करना बहुत जरूरी है सो पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई करते वक्त तीसरा इसमें यह जो है कि पढ़ाई का आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए वहाँ पर किसी चीज़ का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए गाड़ियों का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए आसपास के जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग भी uh, डिसप्लिन uh, होने चाहिए ये इन्वायरमेंट अगर अच्छा आपको लाइब्रेरी में मिलता है तो आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कीजिए या फिर आप खुद के रूम में अकेले बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं तो पढ़ाई का जो इन्वायरमेंट होता है उसका बहुत इफेक्ट होता है आपकी एफिशिएंसी के ऊपर और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इसके बाद होता है सेल्फ डिसिप्लिन होना सो so, बहुत बार आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी हमारे हाथ में आ गई कि व्हाट्सअप है फेसबुक है हमारे पास ट्विटर है तो उसकी वजह से हम फोकस नहीं रह पाते तो एक से खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी होता है कि पढ़ाई करते वक्त मेरा जो सेल फेन होगा वो साइलेंट मोड पे होगा या फ्लाइट मोड पर होगा मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा किसी को मैसेजेस नहीं करूंगा तो ये मैसेजिंग uh, वाली जो चीज़ें होती है ये काफ़ी आपका टाइम खा, खा लेती है तो इससे बचना आपको बहुत ज़रूरी है सो अवॉइड कीजिए कि आप पढ़ाई करते वक्त मोबाइल यूज़ ना करेंगे और दूसरी डिसिप्लिन की चीज़ें होती है जैसे मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते वक्त uh, हर दस पंद्रह मिनट में चाय पीने के लिए चले जाते हैं हर दस पंद्रह मिनट में इधर उधर झाक कर देखते हैं सो वी शुड अवॉइड पीपिंग हेयर एंड देयर सो पूरा फोकस आपका जो है वो आपकी स्टडीज़ के ऊपर होना ज़रूरी है एक सेल्फ डिसिप्लिन uh, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है इसके बाद uh, कुछ चीज़ें ऐसी है कि सफिशेंट uh, रेस्ट लेना ज़रूरी है मिनिमम छः से सात घंटे आप सोया कीजिए पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन आप रात में सिर्फ चार घंटे ही सोएंगे इसका आपके एफिशिएंसी के ऊपर बुरा असर हो सकता है सो so, नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है तो छः से घंटे छः से सात घंटे हमको सोना जरूरी है सफिशेंट रे रेस्ट कीजिए जिसकी वजह से आपके ब्रेन को Uh, एक रेस्ट मिलेगी जिसकी वजह से एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी सो सफिशिएंट रेस्ट लीजिए और इसी के साथ साथ जब आप जब पढ़ाई करते हैं तो तीन चार घंटे के बाद एक दस मिनट का uh, uh, एक दस मिनट का पावर नैप लेना बहुत जरूरी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे सारे ये जो ये जो सारी चीज़ें हैं फोकस वाली वो कंप्लीट करता हूँ और फिर आपके ये जो सारे क्वेरीज आ रहे हैं इसके मैं जवाब देता हूँ सो सेल्फ डिसिप्लिन और सफ़ीशियंट रेस्ट लेना जरूरी है पढ़ाई करते वक्त तीन चार घंटे के बाद एक दस मिनट का पावर नैप भी लेना बहुत ज़रूरी है इसके बाद जो है फोकस रहने के लिए पढ़ाई के वक्त रेगुलर uh, इंटरवल लिया लिया कीजिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए बेच गए तो दस घंटे ही बैठे रहे आप ये ज़रूरी नहीं होता आपका जो कॉन्सनट्रेशन कॉफिशेंट होता है उसको बढ़ा उसको स्टेबल uh, रखने के लिए हर दो तीन घंटे के बाद आप एक पाँच मिनट का दस मिनट का ब्रेक लीजिए उस ब्रेक के वक्त जाकर uh, फ्रेश हो जाइए चाय पीजिए या आपको जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें कीजिए तो रेगुलर इंटरवल लेना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से आपके ब्रेन को एक थोड़ा सा ब्रेक मिल पाए इसके बाद जो होता है म्यूजिक सुनना आ, मैं जब पढ़ाई करता था तो पढ़ाई करते वक्त समझो अगर मैं दस घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसमें से पाँच घंटे जो होते थे वो पाँच घंटे मैं म्यूज़िक सुनता था मतलब म्यूजिक सुनते सुनते मैं पढ़ाई करता था तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप पढ़ाई करते वक्त म्यूजिक सुने लाइट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक वो म्यूजिक अगर आप सुनते हैं तो उस म्यूज़िक का ही बहुत अच्छा इफेक्ट आपके पढ़ाई के ऊपर हो सकता है लेकिन फिर म्यूज़िक सुनने का मतलब ये नहीं कि आप धंगड़ धिंगा सुने या फिर दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूँ या फिर दिल तोड़ दिया तूने बेवफा या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का ऐसे अगर आप सॉन्ग सुनोगे तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर होगा सो so, uh, अच्छा म्यूजिक सुनिए लाइट म्यूजिक सुनिए और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए इस म्यूजिक का बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी पढ़ाई के ऊपर होगा मैं आज भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनता हूँ और लास्ट है कि की मेडिटेशन कीजिए वैसे मैंने तो ज़्यादा किया नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि म्यूजिक करना म्यूज़िक सुनना सॉरी मेडिटेशन करना आ, अच्छा होता है पढ़ाई के वक्त तो योगा वगैरह कीजिए फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए इनका बहुत अच्छा इफेक्ट आपके आ, फोकस रहने पर आ, होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहता था कि फोकस आ, कैसे रहा जाए स्टडीज़ के ऊपर सो so, बस यही चीज़ें थी आपसे बताना सो ऑल द बेस्ट आपके लिए और आ, फिर मिलेंगे थैंक यू वेरी मच बाय